नमस्कार, स्वागत है आपका वैश्य व्यापार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी वर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं दिन भर की खास खबरों से। यूपी के बरेली जिले की बिथरी चैनपुर सीट से बीजेपी विधायक राजेश मिश्रा की बेटी साक्षी मिश्रा ने बीते 3 जुलाई को अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर अजितेश नाम के शख्स से लव मैरिज कर ली थी, जिसके बाद 11 जुलाई को साक्षी ने एक और वीडियो जारी कर अपने पिता राजेश मिश्रा, भाई विक्की भरतोल और पिता के करीबी राजीव राणा से जान का खतरा बताया था। ये वीडियो काफी वायरल हुआ था। हाल ही साक्षी के पिता विधायक राजेश मिश्रा उर्फ पप्पू भरतोल ने एक नवजात बच्चे को गोद लिया है। शमशान भूमि में खुदाई के दौरान जमीन के अंदर मटके में एक बच्ची मिली थी। किसी ने बच्ची को मटके में बंद कर वहां दफन कर दिया था। बच्ची को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से राजेश ने बच्ची के पालन पोषण का जिम्मा उठाया। यही नहीं, उन्होंने नवजात का नाम सीता रखा है, क्योंकि वो जमीन के नीचे से मिली थी। परिवार के खिलाफ जाकर शादी करने वाली बीजेपी विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा दीपावली पर माँ बाप को याद कर भावुक हो गई। उसने कहा, शादी के बाद ये मेरी पहली दीपावली है, मम्मी पापा के बिना भी ये मेरी पहली दीपावली है। आज मैं उनको बहुत मिस कर रही हूँ। आज के दिन मैं अपने घर को जाती थी, रंगोली बनाती थी। मैं भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि अगले साल दीपावली में अपने परिवार के साथ मनाऊं, तब तक शायद सब ठीक हो जाए। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपकी सेवाएं, आपके उत्पाद, गुणवत्ता और योजनाओं के साथ व्यापारिक प्रतिष्ठान या हो कोई संस्थान, जुड़े जनता से वैश्य व्यापार के साथ, संपर्क करें वैश्य व्यापार के साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। छोटी दीपावली के उपलक्ष्य में महिला विकास मंच कोलकाता की महिलाओं ने हावड़ा के एक अनाथ आश्रम में जाकर बच्चों को मिठाइयां और पटाखों का वितरण किया। आश्रम के बच्चों के साथ इन महिलाओं ने कुछ समय बिताया। उन बच्चों के चेहरे पर हंसी देखकर महिला विकास मंच की महिलाएं की खुशी का ठिकाना ना रहा। मानो दिवाली का उपहार उनके लिए वही हो। इस कार्यक्रम में शामिल महिलाएं मनीषा गुप्ता उपाध्यक्ष, रिंकू गुप्ता महासचिव, रानी साहू सचिव, दीप्ति वैदी चेताली दास के अलावा बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया। मथुरा के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज के पूर्व छात्रों द्वारा आज दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव तथा शिक्षक सम्मान समारोह का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में विद्यालय प्रांगण में स्थित यज्ञशाला हवन यज्ञाचार्य श्री सुदेश जी अधिष्ठाता वेद मंदिर मथुरा द्वारा वेद मंत्रों के साथ पूर्व छात्रों में यजमान के रूप में डॉक्टर गोपाल अग्रवाल आई स्पेशलिस्ट और विनोद अग्रवाल ने सपत्नी उपस्थित होकर पुण्य लाभ प्राप्त किया। आचार्य जी ने आशीर्वचन देते हुए कहा कि इस पुनीत अवसर पर वह विद्यालय की निरंतर प्रगति की कामना ईश्वर से करते हैं। तत्पश्चात विद्यालय के मंदोबाई हॉल में भव्य कार्यक्रम का प्रारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती जी के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलन और पुष्पार्चन के साथ हुआ। इसके बाद विद्यालय के वर्तमान छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना और विद्यालय में प्रतिदिन होने वाली प्रार्थना की सुंदर प्रस्तुति की गयी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विद्यालय के पूर्व छात्र और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने कहा, विद्या विनय देने वाली है और विनम्रता से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। विद्यालय निरंतर प्रगति कर रहा है और भविष्य में विद्यालय के छात्र यहां से निकलकर ऊंचे पदों को सुशोभित करेंगे। सभी का पूर्ण सहयोग मिल रहा है। कार्यक्रम का संचालन पूर्व छात्र परिषद के श्री अनिल जी पैच कार्यक्रम का संचालन पूर्व छात्र परिषद के अनिल जी अग्रवाल बीमा वाले तथा अनुज जी गर्ग द्वारा किया गया। धन्यवाद ज्ञापन अजय कुमार अग्रवाल द्वारा किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व छात्र परिषद के अनिल आचार्य जी, अशोक अग्रवाल, नरेश वर्मन, निरुपम भार्गव, डॉक्टर अशोक अग्रवाल, अशोक जी टाल वाले, डॉक्टर श्याम सुंदर बंसल, महेश
अग्रवाल एडवोकेट तथा विद्यालय के कर्मचारी और शिक्षकों का पूर्ण सहयोग रहा। कार्यक्रम में प्रशासनिक स्तर से जिलाधिकारी श्री सर्वज्ञ राम मिश्र, SDM श्री कांति शेखर सिंह, ब्रज तीर्थ विकास परिषद के श्री शैलजा कांत्री मिश्र जी भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समापन कल्याण मंत्र के साथ हुआ। दिन भर की खास खबरों में फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। देखते रहिए वैश्य व्यापार न्यूज़। नमस्कार।